वेलकम बैक टू चॉर्ट्स कॉस कोचिंग वाईसी टेक्स। गाइस वाईसी कंपैरिजन के एक न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। यहां पे हम कंपेयर करने वाले हैं ऑनर बैंड 5 और यहां पे रिसेंटली लॉन्चेस Xiaomi Mi स्मार्ट बैंड 5 जो कि यहां पे गाइस यहां पे इंडिया में लॉन्च हो चुके हैं। यहां पे गाइस ये बिल्कुल सिमिलर ही प्राइसिंग के साथ आते हैं, साथ ही साथ इनके फीचर्स भी बिल्कुल सिमिलर रहे, लेकिन यहां पे कुछ ऐसे इनके डिजाइनिंग है, कुछ ऐसे इनके सेंसर है, फीचर्स है जो कि इनको डिफरेंट करते हैं और आपको गाइस यहां पे एक परफेक्ट स्मार्ट बैंड परचेज करने में आसानी होगी इस वीडियो के माध्यम से अगर आप फुल देखेंगे। So, यहाँ पे मैं आपको इन्हीं के कंपेयर करके आपको एक बेस्ट स्मार्ट बैंड बताएंगे। सो इसके लिए आप वीडियो देखते रहिए और अगर आप इन चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन आपको चलेगा। इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे गाइस ऑनर बैंड 5 जो कि यहाँ पे लास्ट ईयर इंडिया में लॉन्च किया गया था, लेकिन ये जो Xiaomi का Mi स्मार्ट बैंड 5 है ये स्पेशली अभी रिसेंटली कुछ ही दिन हो रहा है यहाँ पे इंडिया में लॉन्च किया गया है Xiaomi के स्मार्ट लिविंग इवेंट में। लेकिन गाइस यहाँ पे फाइनली मैंने इसका कंपेयर वीडियो ला दिया बिकॉज यही बहुत ऐसे स्मार्ट बैंड है जो कि कंपेयर करते हैं। वैसे तो Amazfit का भी बैंड 5 से कंपेरिजन करना पॉसिबल था, लेकिन गाइस वो इंडिया में नहीं अवेलेबल है तो मैंने सोचा उसका कंपेयर करना कोई बेटर नहीं है। लेकिन ये बोथ गाइस यहाँ पे इनकी प्राइसिंग बिल्कुल सिमिलर मिलती है, साथ ही यहाँ पे ये सिमिलर फीचर्स के साथ आते हैं, तो होपफुली बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे कि आखिर कौन सा बेस्ट है अगर वो परचेज करना चाहते हैं स्मार्ट बैंड को। सो यहाँ पे गाइस चलिए आपको कंपेयर करके बताते हैं कि आखिर ऑनर बैंड 5 एंड यहाँ पे Mi स्मार्ट बैंड 5 में कौन सा बेस्ट है। यहाँ पे गाइस ऑनर बैंड 5 एंड यहाँ पे Mi स्मार्ट बैंड 5 में सबसे पहले डिजाइन एंड डिस्प्ले के बारे में बात करें या फिर कंपैरिजन करें तो यहाँ पे Mi स्मार्ट बैंड 5 में सबसे पहले तो आपको कलर डिस्प्ले मिल जाता है जो कि एक टच स्क्रीन डिस्प्ले जहाँ पे 1.1 इंच का AMOLED स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाता है। यहाँ पे Honor Band 5 में आपको भी कलर डिस्प्ले टच स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाता है, लेकिन इसमें डिस्प्ले की साइज आपको 0.95 इंचेस है और ये भी एक AMOLED स्क्रीन डिस्प्ले है। तो बोथ यहां पे बैंड्स में गाइस आपको सिमिलर ही डिस्प्ले मिल जाते हैं, लेकिन Honor का डिस्प्ले थोड़ा सा साइज में छोटा है और Xiaomi का डिस्प्ले थोड़ा सा बिगर है। यहां पे गाइस अब बोथ स्मार्ट बैंड में कनेक्टिविटी एंड सेंसर के बारे में बात करें तो यहां पे ये जो Xiaomi का Mi स्मार्ट बैंड 5 है इसमें आपको कनेक्टिविटी करने के लिए ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट मिलता है जो कि यहां पे गाइस आप पेयर कर सकते हैं Mi Fit से जो कि स्पेशली Xiaomi का ऐप है जिसकी मदद से आप इसके बहुत सारे फीचर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे गाइस यहां पे डायरेक्टली फोन कॉल्स, मैसेजेस या फिर गाइस यहां पे अपने फोन्स में डायरेक्टली इसमें वेदर फोरकास्ट को चेक कर सकते हैं, तो ऐसे रिलेटेड बहुत सारे फीचर्स को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आपको बहुत सारे सेंसर मिल जाते हैं जैसे कि हार्ट रेट मॉनिटरिंग का सेंसर, इसमें यहां पे स्लीप एक्टिविटी ट्रैकर्स मिल जाता है और यहां पे स्ट्रेस लेवल जो कि यहां पे HRV होता है। लेकिन यहां पे Honor Band 5 में आपको कनेक्टिविटी करने के लिए ब्लूटूथ 4.2 का सपोर्ट मिलता है जो कि ऑलमोस्ट ओल्ड वर्जन है क्योंकि यहां पे स्मार्ट बैंड ही ओल्ड है। यहां पे गाइस ये वाई फिट ऐप से मतलब कि पेयर हो जाता है जिसकी मदद से यहां पे फोन कॉल्स, मैसेजेस, स्मार्ट रिमाइंडर्स मिल जाते हैं, इसमें आप वेदर फोरकास्ट को चेक कर सकते हैं। इसमें यहां पे सेंसर के लिए गाइस आपको 24/7 हार्ट रेट मॉनिटरिंग का सेंसर मिल जाता है, स्लीप एक्टिविटी ट्रैकर्स मिल जाता है और SpO2 जो कि यहां पे ब्लड ऑक्सीजन लेवल को मेजर करता है जो कि Xiaomi के Mi स्मार्ट बैंड 5 में नहीं है लेकिन इसमें है। तो इसमें गाइस यहां पे Honor Band 5 ही विन करता है क्योंकि इसमें SpO2 बहुत ही ट्रेंड्स में चल रहा है और आपके बॉडी के लिए काफी यूजफुल सेंसर है। यहां पे गाइस सब बोथ स्मार्ट बैंड में यहां पे फिटनेस एंड हेल्थ के बारे में बात करें तो यहां पे जो Mi स्मार्ट बैंड 5 है इसमें आपको 14 प्रोफेशनल स्पोर्ट्स रिलेटेड मोड्स मिल जाते हैं जिसमें से इंक्लूडेड है साइकिलिंग, रनिंग, स्विमिंग, वॉकिंग जो भी है सब कुछ इंक्लूडेड है। साथ ही साथ इसमें आपको योगा का भी ऑप्शन मिल जाता है जहां पे योगा को डायरेक्टली आप इसमें यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आपको पर्सनल एक्टिविटी इंटेलिजेंस भी मिल जाता है। लेकिन यहां पे Honor Band 5 में आपको यहां पे 10 स्पोर्ट्स रिलेटेड मोड्स मिल जाते हैं जिसमें से रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, वॉकिंग सब कुछ इंक्लूडेड है। लेकिन गाइस इसमें आपको स्ट्रोक रिकॉग्निशन मिल जाता है जो कि स्पेशली यहां पे Mi स्मार्ट बैंड 5 में नहीं मिलता, इसमें आपको PAI नहीं मिलता। तो इस प्रकार से गाइस यहां पे बोथ में आपको सिमिलर ही फिटनेस एंड हेल्थ रिलेटेड मोड्स मिल जाते हैं, लेकिन गाइस यहां पे जो Xiaomi है उसमें थोड़ा सा आपको ज्यादा मिलते हैं स्पोर्ट्स रिलेटेड मोड। यहां पे गाइस अब बोथ स्मार्ट बैंड में वाटर रेजिस्टेंट की बात करें तो बोथ यहां पे गाइस यहां पे 5 ATM वाटर रेजिस्टेंट के साथ यहां पे Honor Band 5 आता है और यहां पे जो Mi स्मार्ट बैंड 5 वो 50 मीटर वाटर रेजिस्टेंट के साथ आता है। तो बोथ में आपको सिमिलर वाटर रेजिस्टेंट है जिसे यहां पे वियर करके आप स्विमिंग के लिए यूज कर सकते हैं 50 मीटर तक की गहराई में। यहां पे गाइस अब बोथ स्मार्ट बैंड में यहां पे बैटरी एंड प्राइसिंग के बारे में बात करें तो यहां पे जो Xiaomi के Mi स्मार्ट बैंड 5 है इसमें आपको 125mAh की बैटरी कैपेसिटी मिल जाती है जो कि यहां पे सिंगल चार्ज में 14 डेज का प्लेबैक देती है। लेकिन यहाँ पे जो Honor Band 5 है उसमें आपको 100mAh की बैटरी कैपेसिटी मिल जाती है जो कि यहाँ पे गाइस आपको सिंगल चार्ज में 14 डेज का प्लेबैक देती है। बोथ में आपको इतना ही मिलता है। लेकिन गाइस यहाँ पे इनमें प्राइसिंग की बात की तो यहाँ पे Mi स्मार्ट बैंड 5 की प्राइसिंग आपको 2499 रुपए मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे Honor Band 5 की प्राइसिंग आपको 2199 रुपए मिल जाती है। अब यहाँ पे बात करें कि आखिर गाइस यहाँ पे इसमें से कौन सा बेस्ट है तो यहाँ पे गाइस बेस्ट तो बेस्ट है, लेकिन अगर आपको ट्रेंड्स में एक स्मार्ट बैंड चाहिए तो आपके Xiaomi के स्मार्ट बैंड 5 मतलब
ओके अच्छा है, लेकिन थोड़ी सी प्राइसिंग ज्यादा देनी पड़ेगी जिसमें आपको एक्सरसाइज रिलेटेड मोड्स थोड़ा सा ज्यादा मिल जाते हैं। लेकिन गाइस आपको ऑल अराउंडर बैंड जिसमें एवरी फीचर्स हो, तो आपके लिए ऑनर बैंड 5 ज्यादा है जिसमें आपको SPO2 भी इंक्लूडेड है जो कि यहां पे काफी ट्रेंड्स में चल रहा है। और यहां पे ये कुछ MI Smart Band 5 वर्सेस ऑनर बैंड 5 के कंपैरिजन जो कि यहां पे काफी बेस्ट इनके फीचर्स साथ मैंने कंपेयर किया। आई होप मैंने आपको इसको कंपेयर करके जो भी डिटेल बताई वो आपको प्रॉपर तरीके से अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और आपको इनमें से एक बेस्ट भी पता चल गया होगा। सो आई मैंने आपको इसके बारे में जो भी डिटेल बताई वो आपको प्रॉपर तरीके से अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद का वीडियो एक लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अगर आप मुझे अपना चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए और बिकॉज़ दैट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। एलएस से डू समथिंग न्यू, डू समथिंग डिफरेंट। थैंक फॉर वाचिंग।